नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, इस वक्त हमारा भारत देश जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कच्चे तेल के लाखों बैरल रूस से खरीद रहा है और आज के वक्त में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है, यह देखकर दोस्तों शायद अमेरिका और यूरोप देशों को यह बात रास नहीं आई और इसी वजह से दोस्तों अब अमेरिका ने भी भारत के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर हम रूस से किसी भी प्रकार का तेल या फिर वहां के कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो वह भारत पे भी कड़ा प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, अमेरिका चाहकर ऐसा कर भी सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिकी डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है और इसी में विश्व के कई देश एक दूसरे देशों के साथ इसी डॉलर के माध्यम से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाते हैं। और जब से दोस्तों अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तब से दोस्तों रूस की इकोनॉमी एक तरीके से आइसोलेट सी हो गई है और इसी वजह से भारत और रूस की तरफ से होने वाली मिलिट्री सप्लाई अब खतरे में आ चुकी है। और भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही देश एक समान पेमेंट सिस्टम को तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दोनों देश चाहते हैं कि एक पेमेंट सिस्टम ऐसा हो जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। अब पिछले एक साल से करीब 2 अरब डॉलर की जो पेमेंट अटकी हुई है उसे भी आसानी से निकलवा सके। और अब दोस्तों रूस ने अब अपने ऑफिशियल डाटा पर यह संदेश दिया है, जब तक भारत और हम अमेरिकी डॉलर के अलावा कोई दूसरी करेंसी की व्यवस्था नहीं कर लेते हैं तब तक हम भारत के साथ किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यह बताते हुए हमें बहुत ही खेद हो रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकी डॉलर ही है और उसमें रूस का करीबन 10 अरब डॉलर की कीमत वाले डिफेंस के उपकरण अभी तक पेमेंट के लिए अटके पड़े हैं। और भारत के साथ हमारे स्पेयर पार्ट्स के अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज भी शामिल हैं और भी हमारे और भारत के साथ रक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में डीले तय हुई हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन दोनों ही देशों में ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से यह ट्रेड अभी मुमकिन नहीं है। अब दोस्तों देखा जाए तो रूस का भी कहना सही है कि अमेरिका द्वारा जो भी अब प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कहीं ना कहीं अब भारत को भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों भारत ने इस मुसीबत से निकलने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला था, लेकिन वह प्रपोजल दोस्तों रूस को पसंद नहीं आया। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों अमेरिका द्वारा लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों को लेकर कि आखिर भारत को इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।